विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित के लिए स्थगित हो गई है विधानसभा अध्यक्ष बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है और बजट सत्र की कार्यवाही किस तरह से चली है सत्ता पक्ष और विपक्ष को कितना मौका बोलने के लिए दिया गया है तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है सर सबसे पहले आप जो यह सदन की जो कार्यवाही है इसको लेकर विपक्ष का यह आरोप है कि हमें बोलने नहीं दिया गया तमाम मुद्दों पर हम बोलना चाहते थे हमें समय नहीं मिला आपके पास आंकड़े आ गए होंगे सर डिटेल आ गई होगी मोटे तौर पर कि कितना आपने समय विपक्ष को दिया है कितना सत्ता पक्ष को दिया है और कितनी सिटिंग आपने कुल कितने घंटे की की है देखिए सबसे पहले तो मैं जो अपने विपक्ष के साथी उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने आ, किया है सेशन को स्मूथली चलाने के लिए जहां तक समय की बात है मैंने प्रयास किया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों को समय बराबर मिले हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 40 सदस्य हैं और कांग्रेस के 31 सदस्य हैं लेकिन फिर भी जो मैंने आज फिगर्स निकलवाई हैं लगभग ये जो भारतीय जनता पार्टी को गवर्नर एड्रेस के ऊपर एक मिनट बोलने का समय मिला है और कांग्रेस को एक मिनट मिला है। और हमारे 16 मेंबर, मेंबर ने बोला है और उनके 11 मेंबर्स ने बोला है इसी प्रकार से जो सात इंडिपेंडेंट मेंबर हैं उनको भी 40 मिनट का समय मिला है और इंडियन नेशनल ने लोकदल के एक मेंबर है उनको एक मेंबर के बावजूद 19 मिनट का समय दिया गया जबकि एवरेज जो है वो छह मिनट या सात मिनट की थी और दूसरा जो बजट सेशन के अंदर भी मैंने ये प्रयास किया है कि जो विपक्ष है उनको भी पूरा समय मिले बीजेपी को 180 मिनट मिले हैं, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उनको एक मिनट मिले हैं तो ये आरोप लगाना कि हमें कम समय दिया गया हालांकि हमारे 40 मेंबर हैं लेकिन फिर भी प्रयास किया है कि मैंने सबको समय मिले और जो इंडियन नेशनल लोकदल के भाई अभय चौटाला चोटा, जी हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे उनको 22 मिनट मिले हैं इसके ऊपर बजट सेशन के ऊपर बजट के ऊपर जबकि उनका समय सिर्फ छह मिनट या सात मिनट था तो मैंने ये प्रयास किया है कि चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है उनको पूरा समय दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को बुलवाया जाए लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने एक एक मेंबर ने आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा जब बोलेंगे तो उनके सदस्यों को निश्चित तौर पर जो दूसरे सदस्य हैं बाकी के जो नए सदस्य हैं मैं तो ये भी कहूंगा कि उन्होंने नए सदस्यों के साथ जो जाति की है स्पीकर साहब कुल कितनी सीटिंग रही हमारी और कितने घंटे का जो है वो सेशन चला है आपके पास आंकड़ा इस फर्स्ट पेज पे था सकते? मैं समझता हूँ कि लगभग मतलब कुल सीटिंग जो रही है वो दस सीटिंग रही है हालांकि दो दिन तो हमारी हम उसको डबल भी काउंट कर सकते थे क्योंकि रात साढ़े सात बजे तक सिटिंग चली आज भी तो लेकिन हमने उसको सिंगल सिटिंग काउंट किया है और उसमें इकतालीस घंटे और सताईस मिनट ये सदन के अंदर चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि पहली बार कि एक सेशन के अंदर पांच काल अटेंशन मोशन यहां पर हम लेकर के आए हैं और जहां तक सवालों का प्रश्न है क्वेश्चन का 180 में से तिरानवे जो प्रश्न है जो। उनका हमने वहां पर सदन के अंदर जवाब दिया है मंत्रियों ने बाकी सबको लिखित रूप में उनका जवाब भेजा है आज विपक्ष की विधायक जो है वो किरण चौधरी ये कह रही थी कि मैंने कई जो है वो कॉलिंग अटेंशन दिए थे लेकिन मंजूर नहीं किया एक मंजूर किया उनका न से जुड़ा हुआ और इसी तरीके से अभय सिंह चौटाला के भी आरोप थे कि मैंने भी कई कामरों को और ध्यान प्रस्ताव दिए थे मंजूर नहीं किए जबकि आप कह रहे हैं कि आपने इस एक सेशन की अवधि में सबसे ज्यादा जो है वो कॉलिंग अटेंशन को मंजूरी दी है मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो कॉलिंग अटेंशन है आज तक कभी सुनने में नहीं आया था कि एक सेशन के अंदर पांच कॉलिंग अटेंशन लगे हों लेकिन मैंने जो कॉलिंग अटेंशन जरूरी थे जो इमीडिएट कंसर्न के कॉलिंग अटेंशन थे उन्हीं को हमने लगाया है कि कुछ मुद्दे जो पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उठाना चाहते हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं कोई एस वाई एल को लेकर के वो कोई इमीडिएट अटेंशन के मुद्दे नहीं है वो तो एक प्रॉब्लम्स हैं उनकी हो सकती हैं लेकिन मैं सुनता हूं कि कॉल अटेंशन के लिए जो भी चीजें थी हमने उनको आ, सदन के अंदर हम लेकर के आए कई बिल भी जो वो आखिरी के जो दो दिन रहे हैं उनमें कई बिल भी विधानसभा के पटल पर पारित किए गए हैं संशोधित विधेयक भी है और उसमें लगभग अठारह बिल जो है दो दिन के अंदर बिल वो पारित हुए है उनमें कई अहम बिल जो हैं वो सरकार की तरफ से आए हैं और बिल के अंदर भी शायद आपने देखा होगा कि बिलों को पास करते हुए पहली बार हमने चर्चा कराई है किसी बिल को पास करने से पहले उसके ऊपर जो भी विपक्ष का साथी बोलना चाहे जो अपने बात रखनी चाहिए उनको हमने अलाउ किया और मैं समझता हूं कि एक अच्छे विपक्ष की ये निशानी होती है कि वो पढ़ करके भी आए और समय समय पर जहां चर्चा की आवश्यकता है उसके ऊपर बोले साथ इसके साथ ही आपको भी जो वो विपक्ष का साथ जो है वो पहला आपका यूं कहें कि एक जो पहला सेशन एक औपचारिक तौर पर जो प्रॉपर पूरा सेशन रहा वो पहला सेशन रहा हालांकि आपने जनवरी में इससे पहले भी सेशन किया लेकिन आप क्या मानते हैं कि जो सदस्य हैं तमाम उनका सहयोग इस तरीके का रहा क्या कि आपको किसी को नेम नहीं करना पड़ा कोई बायोकार्ट इस तरीके का नहीं हुआ एक बार कांग्रेस का एक दिन वॉकआउट देखने को मिला लेकिन कोई इस तरीके का माहौल नहीं बना सदर में कि आपको मार्शल की मदद लेनी पड़ी हो या फिर आपको कोई भी जो है वो क्या कहेंगे का है? संतोष है कि पूरे दस सीटिंग्स के अंदर कभी एक बार भी किसी को नेम करने की आवश्यकता नहीं हुई और किसी को हमने बाहर निकालने के लिए कि मजबूर नहीं होना पड़ा कभी मार्शल को बुलाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा थोड़ी बहुत जो एक आपस की नोक झोंक है वो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा रहती है और मैं समझता हूँ कि विपक्ष का ये कर्तव्य भी, भी है कि अगर कहीं सत्ता पक्ष कोई गलत उसके ऊपर जा रहा है उसको रोके ये विपक्ष तो होता ही मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष को जागरूक करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ थे जो जानकारी दे रहे थे कि कितने घंटे की सीटिंग रही उन्होंने बताया कि साढ़े इकतालीस घंटे के करीब जो है वो सदन की अवधि चली है जिसमें दस सीटिंग रही है और साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया है कि सभी ने सहयोग किया है विपक्ष ने विपक्ष के नाते सत्ता पक्ष से सवाल पूछे कई जगह पर नोकझोंक भी हुई लेकिन उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है कि, कि किसी को नेम नहीं करना पड़ा और तमाम जो सदस्य हैं उनका पूरा सहयोग उनको मिला है वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़